चंबा शहर के नया बस अड्डा के समीप पिछली रात मोटरसाइकिल के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार दो युवक रावी नदी में गिरकर पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गए। इस घटना का पता सोमवार सवेरे चल पाया जब लोगों ने सड़क किनारे मोटरसाइकिल को गिरा देखा। घटना की सूचना पाते ही पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल सवार युवकों की तलाश में रावी नदी में सर्च अभियान आरंभ कर दिया। दोपहर बाद पुलिस टीम ने रावी नदी में बहकर लापता एक युवक का शव परेल पुल के पास से बरामद कर लिया। मृतक की पहचान अभयवासी गांव छुद्रा के तौर पर की गई है। घटना के बाद से लापता दूसरे युवक का अभी कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसी बीच सदर विधायक नीरज नयर ने मौके पर पहुंचकर लापता युवकों के परिजनों से बातचीत की। पंचायत के दौरे में जा रहा था तो मैंने अभी काफ़ी आदमी देखे थे, स्वाभाविक है मैंने गाड़ी रोकी, मेरे को लगा कोई एक्सीडेंट हुआ, तो पता लगा है कि रात को तकरीबन 9 बजे के करीब दो लड़के हैं जो कि सलूनी पंचायत के हैं और वो जो है मोटरसाइकिल से गिरे हैं और अब पता नहीं है कि वो नीचे की तरफ गया, मोटरसाइकिल ऊपर ही पड़ी हुई है। तो जो बच्चे के पिता हैं वो यहाँ अभी मौके पर मिले और स्वाभाविक है कि उनको उम्मीद है कि बच्चे जीवित मिले या अभी कुछ पता नहीं है, आइडिया नहीं है। तो मैंने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से जल्दी जो है उनके मोबाइल के नंबर दिए जाके ट्रेस किए जाएँ कि मोबाइल कहाँ है, अगर है कहीं कहीं और से कहीं से सिग्नल पाया जाता है तो इसका मतलब जीवित है। और बाकी ये भी कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, साथ में उसके फुटेज से कुछ पता लग सकता है। जो भी सरकारी कार्रवाई तुरंत की जा सकती है उसके आदेश हैं और उम्मीद करते हैं भगवान सब ठीक करेगा और कुछ